हम बात कर रहे हैं नैलको की, नेशनल एल्युमिनियम की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। गिरावट के बाद स्टॉक ने 150 के लेवल से बाउंस बैक किया और लगातार तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इस तेज़ी के साथ 180 जो इसका मेजर रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर आप सस्टेन होता नज़र आ रहा है। नैलको का ट्रेंड जो है बदल चुका है, पॉजिटिव ट्रेंड में नज़र आ रहा है। यहाँ से और तेज़ी नैलको में आने वाले दिनों में हमको देखने के लिए मिल सकती है। स्टॉक बड़ी उड़ान भरते हुए यहाँ से नज़र आ सकता है। देख सकते हैं हमको किस तरह से यहाँ बाइंग देखने के लिए मिल रही है। छोटी मोटी गिरावट आ रही है, अगर गिरावट आती भी है तो छोटा मोटा फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं रेड कैंडल इसके कि किस तरह से छोटी मोटी गिरावट है और अगेन बायर्स एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस अकॉर्डिंग नैलको यहाँ से और बड़ी उड़ान, बड़ी तेज़ी दिखाता नज़र आ सकता है। नीचे की ओर तगड़े सपोर्ट का काम करने वाला है 180 का लेवल, इसका तगड़ा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अब बात करें टारगेट की तो यहाँ से इमीडिएट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 190 का लेवल, जहाँ पर स्टॉक बार बार सपोर्ट लेकर काम करता नज़र आ रहा था। देख सकते हैं जब गिरावट आ रही थी तो 190 के लेवल पर स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। ये अपना इमीडिएट टारगेट है 190 का लेवल, इसको ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट और रेजिस्टेंस जो फेस करेगा 200 के लेवल पर। 200 का लेवल तगड़ा रेजिस्टेंस है, इससे पहले हमने इसका ब्रेकआउट देखा था लेकिन स्टॉक को सस्टेन होते नहीं देखा। 200 का ब्रेकआउट होके स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो वैसे कंडीशन में यहाँ से और तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। फिर अगला टारगेट 210 और इस बाउंस बैक के साथ 220 तक के भी टारगेट फिर नैलको में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।